हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्पाइसी पोटैटो करी, यानी आलू की रसे वाली सब्जी। और उसके लिए हमें सामग्री चाहिए। एक कढ़ाई में हम मीडियम आंच पे तेल गर्म होने रखेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम उसमें राई और जीरा ऐड करेंगे। साबुत मसाले हमने जो लिए हैं, कड़ी पत्ते, रेड चिली और तेज पत्ता ऐड करेंगे और इन्हें 30 सेकंड तक सौते कर लेंगे। इन्हें अच्छे से सौते करने के बाद हम अदरक और लहसुन ऐड करेंगे और इन्हें भी हल्का सा सौते कर लेंगे। अदरक और लहसुन को 30 सेकंड सौते करने के बाद हम उसमें ऑनियन ऐड करेंगे और इन्हें 2 मिनट तक सौते कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसे आप पूरी, नान या पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। 2 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे, अच्छे से स्टर कर लेंगे। और अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया जीरे का मसाला, नमक और गुड़। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो गुड़ ऐड ना करें। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और पोटैटो को मसाले के साथ में 2 मिनट तक कुक होने देंगे। 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे और 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। हमने गरम मसाला लास्ट में ऐड किया है, ऐसा करने से सब्जी में उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। 2 मिनट हो चुकी है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और हमारी स्पाइसी पोटैटो करी को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ये 10 मिनट में तैयार हो जाती है। और ये सब्जी को आप पराठा, रोटी, नान या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो। आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।